वेलकम टू किचन विद मेहनाज आबिद। आज हम बनाने जा रहे हैं मिल्क शेक, जिसको हम रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक कहते हैं। बाद बच्चे दूध नहीं पीते, हम जब भी उनको मिल्क शेक बना के देते हैं तो वो बहुत शौक से पी लेते हैं। इसलिए मैं आज मिल्क शेक बना रही हूँ, जो बहुत ही कम चीजों से तैयार होगा। रेसिपी शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल को प्रेस करना ना भूलें। ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि न्यू फूड रेसिपी एवरी डे आपके लिए लाती हूँ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। दो गिलास दूध लेंगे, दूध को हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लिया है। दो से तीन स्पून रूह अफ़ज़ा, चीनी हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले भी बहुत मीठा होता है। आइसक्रीम डालेंगे, कोई सा फ्लेवर भी आप डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर या कोई सा भी आप जो पसंद करें, जो आपके बच्चों को पसंद हो वो डालकर आप बना सकते हैं। इसको हम ग्राइंड करेंगे। तीन से चार मिनट हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे ताकि ये झाग सा बन जाए और बच्चे इसको शौक से पी लें। अब हम इसको ग्लास में डाल लेंगे। बहुत ही जबरदस्त और झागदार हमारा मिल्क शेक तैयार हुआ है। पुदीने से हम इसकी गार्निश कर लेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ठंडा रूह अफ़ज़ा मिल्क शेक तैयार हो गया है। बच्चों को दें, बड़ों को दें, ये बहुत ही जबरदस्त है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि अच्छी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।